अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सब की दुआओं से। मैं हूँ फ़ायज़ा बलोच। आप सोच रहे होंगे रोज़ ये कहीं ना कहीं गाड़ी में निकलती है घूमने के लिए। मैं ज़्यादा बार इसलिए निकलती हूँ जब मुझे बहुत ज़रूरी कोई काम होता है या कोई चीज़ लेनी तभी निकलती हूँ। हम लोग रहते फुलान, वहाँ से लेके आए केक का सामान। आज फर्स्ट टाइम पहली बार जो है मेरे घर में केक बन रहा है और वो भी पतीली में। अच्छा, बनाने वाला ये है कि मेरी जो पड़ोसी है बच्ची, वो उसने अभी न्यू न्यू सीखा है केक बनाना। तो मैंने कहा ना और मेरे घर पे केक बनाना मेरे बच्चों के लिए, तो वो राज़ी हो गई। उसका बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा थैंक यू कि वो उसने मेरी बात मानी और वो केक बनाने आ गई। क्योंकि बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई मशीन नहीं है, वो हाथ से बैठ रही है और बड़ी मेहनत का काम है। उसके अलावा अच्छा इसने अपने घर में बनाया है, मुझे उसका केक अच्छा लगा है, तो मैंने कहा आप मेरे घर आना मेरे बच्चों के लिए बनाना। अब यहाँ पे जो है वो केक बना रही है, तो इसने कोई क्लासेस नहीं ली हुई है। इसने भी अपने कज़न्स के पास गई थी तो वो वहाँ केक बना रहे थे, तो ये भी वहीं से सीखी है माशाल्लाह से। हाथ का काम होता है हर किसी, मैं कहती हूँ लड़कियों को हार होना रहना चाहिए। खाना बनाना हो, कपड़े सीने हो, सब कुछ घर का काम हो, रोटी बनाना, हर 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 काम आना चाहिए हर किसी को। ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्ची है और हर काम इसको आता है। इसके को कपड़े भी सीने आते हैं, इसको खाना बनाना आता है। आज तो ये केक बना रही है और थैंक यू कि वो मेरे क्या बोलने पर मेरे घर आई है। अच्छा, मैंने कहा था मैं फुलान जाऊंगी तो जब जो भी चीज़ मैं लेते जाऊंगी तो उसकी व्लॉग बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी। तो जब वहाँ गई तो वहाँ लाइट ही नहीं थी, सच बताऊँ तो। क्योंकि आजकल ईरान में भी जो है लाइट जाने लगी है। ये नहीं है कि पाकिस्तान की तरह जो है तीन तीन चार चार घंटे जाती है फिर आती है फिर जाती है, ऐसे नहीं। मतलब कभी कभार जाती है, पर जाती ज़रूर है। एक घंटे के लिए चली गई, डेढ़ घंटे के लिए चली गई, फिर आ जाती है, फिर नहीं जाती। अब हम लोगों ने ऐसे ही यहाँ पर आदत की है बग़ैर लाइट कि हम नहीं रह सकते। पर जाहिर बात है कोई ना कोई मसला होता है तभी तो लाइट जाती है, वरना वैसे लाइट नहीं जाती। अच्छा, मैं इसके पास खड़ी होकर मैं उसको बोलती थी मुझे भी सिखाओ। हालांकि ये जो 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 डाल रही थी, मैंने कहा पहली बार तो मुझे आएगा नहीं, आप आज बनाओ फिर दोबारा आना फिर दोबारा बनाओ, तो तीन चार दफ़ा आके मेरे घर केक बनाओगी तो ही फिर जाके जो है मैं सीखूँगी। यसना बहुत ज़्यादा खुश थी कि हमारे घर में केक बन रहा है। यसना फिर मुझे बार बार पूछ रही थी मेरी बर्थडे, मैंने कहा नहीं आपकी बर्थडे नहीं है, हम आज केक बनाना सीखेंगे, जब पूरा केक बनाना आएगा तो फिर आपकी बर्थडे पे मैं खुद जो है अपने हाथों से केक बनाऊंगी। सबसे जो मुश्किल काम था ना वो ये था कि इसको मिक्स करना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। वो थोड़ा थोड़ा अपना डालती रहती और मिक्स करती रहती, ताकि जो मिक्स कहते हैं कि ना मिक्स अच्छा होता है तो केक बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, आप लोग साहब कह रहे थे कि आप जो है बहुत लेट व्लॉग डालती हैं, तो असल में ये है कि मेरे घर के काम जैसे दिन पर दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि छोटा सा बच्चा है मोहम्मद सलाह, उसको ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि वो बहुत छोटा है घर का, तो उसको ज़्यादा टाइम देना है, तो इस वजह से उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। फिर घर के काम, अब स्कूल भी जो है वो खुल गए हैं तो बच्चों के स्कूल का भी जो है करना, यूनिफॉर्म वगैरह धोना, इस्त्री करना, बच्चों को पढ़ाना, उनका होमवर्क करवाना, तो इस वजह से जो है ना आप व्लॉग बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। पर इंशाल्लाह मैं बहुत कोशिश करूँगी कि रोज़ कुछ ना कुछ जो है आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। जैसे आज केक बन रहा है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरह जो भी बनेगा, कहीं जाऊँगी, क्या खाऊँगी, क्या हो रहा है। अब तो फिलहाल शादी भी आने वाली है, मेरे छोटे वाले देवर की शादी स्टार्ट होने वाली है, वहाँ जाऊँगी, ढोलकी होगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपने मेरा एक भी व्लॉग जो है वो मिस नहीं करना है, बल्कि जो जो कोई भी न्यू आया है वो मुझे लाजमी सब्सक्राइब करे, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर, ताकि मेरे आने वाले अच्छे अच्छे व्लॉग जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचे। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और एक अच्छा सा कमेंट कर दे, आपके कमेंट पढ़ते ही मेरा दिल जो है वो खुश हो जाए।
आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। अच्छा यहाँ पे जो है वो केक को जो है पतीली में डाल दिया और हल्की सी आंच पे रख दी है। अब देख रहे हैं कि केक जो है वो बन के तैयार हो गया, इसकी आंच को जो है वो बंद कर दिया गया। अब आराम आराम से केक को निकालेंगे। पहली बार बना रहे पतीली में तो बहुत अच्छा बना है, ये देखिए ज़रा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउनी जो है वो उसको ख़त्म करें और इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम। भी से कट किया है, कट कर रहे हैं और इसके अंदर भी क्रीम करेंगे, ऊपर से भी क्रीम करेंगे, क्रीम लगाएंगे। अच्छा यहाँ फुलन में जो केक की क्रीम होती है वो मुझे मिली नहीं थी, दूसरी वाली क्रीम मिली है। मैंने कहा फ़िलहाल आज जो है वो फर्स्ट केक है, सीख रहे हैं तो इसमें यही चलेगी। मैंने थोड़ा सीखा है, थोड़ा किसी और दिन केक बनेगा तो सीखूंगी, फिर जाके पूरा केक बनाना सीखूंगी तो फिर जो है मैं क्या कहते हैं खुद केक बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए केक बिल्कुल तैयार हो गया है, इसके ऊपर पर चॉकलेट जो डली है उसका जो डिज़ाइन बना हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इसका जिसने केक बनाया है, यसना तो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब जो जो मेरे पास बैठा था सबके लिए पीसेस करके इनकी